लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दीदी, दीदी आप अंदर हो? अबे बुलशिट। दीदी रुक जाओ, बस तू तो ऐसे घबरा गई जैसे रैट ने रेपिस्ट है। हेलो बिल्ला दीदी। ये कौन? दीदी मैं गप्पू, आपसे फोन पे बात हुई थी ना। तुझे कैसे पता लगा ये बेला है? तू तो मिला ही नहीं इससे कभी। ले कमाल है, आपसे चिपक रहे तो बेला दीदी होंगे ना। हाँ मैंने ना आपको थैंक यू बोलना था, पता है आपकी वजह से सब एकदम अच्छा हो गया। यू आर सो नाइस एंड सो काइंड, इन्होंने मेरी नौकरी बचा ली है। बट आप तो शिमला गए हुए थे तो अचानक वापस कैसे, मतलब? कैन यू एक्सप्लेन? आ गई थी, मुझे मिस कर रही थी, आ गई। तू अपनी देख, तुझे क्या है? अरे तो अच्छा ही आ गई। हाँ सनी, कहाँ है? तुम्हें बिना समझने लग गया, तुम बिना ही बने रहना वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या बकवास चल रही है, मैं घर जा रही हूं। भाई यहाँ लोग प्यासे बैठे, जल्दी आना सनी यार। नहीं थर 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 अरे क्या कर रहे हो? नहीं यार ऐसे कैसे यार। दीदी क्या हो गया, एनी प्रॉब्लम? नहीं भैया कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जाइए प्योरीफायर लगाइए। नहीं 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 नहीं, बिग 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 प्रॉब्लम। हेलो तुम बाहर निकलो यहां पे। ए जीजू मेरे को आज ही प्योरीफायर लगाना है। तुम मुझसे डिस्कस नहीं कर प्लीज। मेरी दीदी से बात हुई थी प्लीज, मैं ऐसे मत करो, आप ऐसे नहीं कर सकते। हां तुम लगाओ प्योरीफायर। अरे ऐसा कैसे लगा? तुम इसको प्योरीफायर लगाने के लिए कह रही हो? ये प्योरीफायर लगाने के लिए ठहर जाएगा तो हम क्या लगाएंगे? अरे ये प्योरीफायर लगाने आए तो प्योरीफायर लगाएगा ना। तुमने इसको अंदर बुलाया, चिल्ला उस पर। डोंट बिहेव लाइक माय हस्बैंड। व्हाट हस्बैंड? दीदी क्या मतलब? अरे मैं इसका हस्बैंड हूँ, तेरा क्या लेना देना है यार, तू बाहर चल। लेकिन तुम इसके सामने मुझसे क्यों झगड़ा कर रहे हो? अरे तुम इसके सामने मुझसे झगड़ा कर रही हो? आप दोनों मेरे सामने क्यों झगड़ा कर रहे हो? अबे क्या है यार तुझे करना, ये मेरा घर है, मेरी बीवी है, तू जो चाहे मैं करूँ। ए ठहरो, तुम बाहर निकलो। एक मिनट, मेरी दीदी कहीं नहीं जाएंगे। और जीजू आप ना बिल्कुल मेरे पापा की तरह बिहेव कर रहे हो। पापा? मेरे पापा भी मेरी मम्मी से ऐसी बात करते थे। अबे तेरा तो बहुत हो गया, अभी तेरा मैं बैंड बजा दूंगा। मैं अपने मम्मी को मुश्किल में नहीं देख सकता। ये नोकीला है, धार वाला, लग जाएगा तो लग जाएगी। पापा मम्मी रुको, ये क्या चल रहा है? मारूंगी तो क्या, हाथ में दे दूं? तू हमें दे दे, ये चुंदू कहां से लेके पड़ गया? ए ए क्या कर रहा है? अबे खेल रहे, ए ए धार दे, ए अबे अबे तेरे को, अबे यार तू पीछे नहीं लगना चाहिए। छोड़ दो जीजू, मैं तुम्हारी सॉरी सॉरी दीदी, दीदी आई एम रियली सॉरी, मुझे पता नहीं क्या हो गया था। दीदी अभी अभी वैसे ना सब ठीक हो जाएगा पक्का, अभी इस घर में पवित्र पानी आएगा तो वैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सारा ना साइकोलॉजिकल होता है, इमोशनल नहीं होता, मतलब ये बात ही कुछ और है, बात समझ नहीं रहे हो ना। ये समझेगा भी नहीं, ये पवित्र पानी, तू अपनी पवित्रता से बाहर निकल वरना मैं ये पवित्र चाकू तेरी पवित्र कमर के नीचे ऐसी पवित्रता से घुसाऊंगा कि तेरी पूरी पवित्रता बाहर निकाल दूंगा। ए पवित्र तू चल बाहर चल। ए बिंदु चल बाहर। बिंदु या बेला? ए तुम्हें तू क्या कर रहा है? वो बेफार बिंदु नहीं, बेफार बेला है, मैं उसको प्रेम से बिंदु बुलाता हूं। तेरे पास क्या प्रॉब्लम है? बिंदु यही तो प्रॉब्लम है आपकी यार, आप जीजी को नई नई लड़कियों के नाम से बुलाओगे तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगी ना यार। आप तय भी कैसे लेते हो? बस यही तो मैं समझ नहीं, तू क्या समझा रही है यार? तू चल बाहर निकल। ए तू सब भाजन, मैं तो मार दूंगा तेरे को। मार दो, मार दो मुझे, मार दो, खत्म करो ये किस्सा, मैं पागल हो गया यार। अब दीदी आप आपकी आंखों के सामने मैं ये घर बर्बाद होता हूं, नहीं देख सकता इस घर के लिए, मर रहा हूं तो मर जाओ। मार दो, मारो मारो। और ये कहते कैसे मरेगा? Excuse me, I have done my job. मेरे को पास बहुत सारा सामान है और मेरे को टेम्पो चाहिए। प्लीज कोई मेरी हेल्प करेगा? ठीक है, ये पानी साफ करने की मशीन है, मेरी खराब हुई, अपने साथ ले जाओ। वेरी गुड। भाई साहब क्या हो रहा है, मतलब क्या हो क्या रहे? जीजू कौन आदमी, मतलब सफाई वाले की चोर है, कैसे ऐसी ले जाओगे? बाप का राज तोड़ना ऐसी ले जाओगे, कैसे ले जाओगे? यो शट अप बुलशिट, तो शट अप। जब तो महान चोरों के बीच में गठबंधन चल रहा है तो तुम बीच में क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? क्या बोला, कौन है तुम्हारी दीदी? दीदी आपकी फाइल को नहीं, प्लीज मैं बता दूं इसको कि आप किसी और का सामान हो और ये किसी और की सामग्री। अरे यार ये मासूम बच्चा है यार, इसको क्या मामले की हालात और गंभीरता समझ नहीं रहा। तुम तो हालात और गंभीरता दोनों समझते हो। करेक्ट, तो उठाओ ये प्यूरीफायर एंड यू आर फायर। ओह माय गॉड। ए बैठ, कौन है कौन, तू पहले ये बता।
मैं बिजू कालिया कॉर्पोरेट चोर छिप छिप का चोरी में करता नहीं, किसी भी मकान मालिक से मैं डरता नहीं। जीजू आपका ना जमीर मर गया। तेरा जिंदा है? हाँ। ले तुम मार ले। क्या कर रहे हैं आप? इस क्रैक कैसी बातें कर रहे हैं? क्रैक? अरे जो अरे प्लीज छोड़ो मुझे। नहीं तू क्रैक, तेरा क्या क्रैक, तेरा पहला क्रैक, तेरा मैं पढ़ क्रैक, तेरा पड़ोसी क्रैक, अरे पूरा पल्ला क्रैक तुम्हारा। छोड़ो मुझे। आई कैन यू पैन 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 रुक जाइए प्लीज। नहीं नहीं ए सुलेख आ गिरा। हां ए अरे क्या कर रहे हो, छोड़ो उसे। अरे क्या कर रहे हो, छोड़ो। ए मेरा हाथ छोड़, चोर मेरा हाथ छोड़, चोर मेरा हाथ छोड़, मेरा हाथ छोड़, चोर मेरा हाथ छोड़। सो नाइस। हैंड्स अप। सॉरी। हैंड्स अप। हैंड्स अप। अब चाप। हैंड्स अप। चला। नकली है। चीटिंग। आई एम सरेंडर। छपेगा तेरा कैलेंडर। ये बेहोश है कि मर गया? 14 साल की सजा होती है जीजू, और पत्थर अलग से तोड़ने पड़ते हैं। सांस चेक कर। आई डोंट थिंक ही इज ब्रीदिंग। तो मुंह से सांस दे। इसी बातें कर रहे हो? आपने इसका मुंह देखा है, गुटखा खाता है। दीदी आप दे दो ना। व्हाट नॉनसेंस। तो बिंदु से प्यार नहीं करता? बिंदु या बेला? इफ यू डोंट माइंड तो दे सकते हैं। यार एक मिनट, स्टॉप फाइटिंग। दीदी ओनली फॉर यू। माता सबको प्यारी है। मैं चेक कर गया तो घोड़ू इसको ठिकाने का लगाना है। अरे मैंने ये सब पहले ढूंढा करे। तो मैं क्या डिग्री हासिल की हुई है? उड़ा। माता सबको प्यारी है, माता को सब प्यारे हैं, माता सबको प्यारी है। तो ये ठहरो, मैं बाहर देख के आता हूँ। माता को सब प्यारे हैं। क्या सर, बड़ी देर लगा रही दरवाजा खोलने में। अबे दरवाजा है, पजामे का नाड़ा नहीं है जो डोर खींचे और पतलून नीचे। काम क्या है? लगता है सर कुछ इम्पोर्टेंट काम में लगे हुए थे। हाँ, मैंने किसी डाकू के पकड़ लिया, लास्ट ठिकाने लगा रहा था। गुड जोक सर। सर ये कुरियर बेला जी, बेला कपूर जी के नाम का है, आप उन्हें बुलवा सकते हैं? वो बाहर गई हुई लो। सर मैं आपके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। पंडित है। मैंने आपका प्ले देखा है जिसके आपने 150 शो किए थे। फाइन। फिर कैन आई टेक अ सेल्फी विद यू? अभी नहीं, फिर कभी जाना। अच्छा निकल। सर नो पाउंड प्लीज। नाइस आइडिया सर। नो लुक बाजी सर। अरे वो कौवा नजर आ रहा है, गोल्ड वाला। सर मैंने तो सिर्फ काला कौवा देखा है सर। जीजू ये कौन है? तूने पूछा है तो ले। ये मेरी पत्नी है। पूछा तो फिर ये कौन है? नहीं ये मेरी पहली पत्नी है, ये तो कुछ दिन पहले ही मिली। अरे लेकिन ये कहाँ गए? तुम कुंभ के मेले में गए हो कभी कि नहीं? नहीं लेकिन मैंने सुना है वहां पे अक्सर लोग बिछड़ जाते हैं। पूजा भी कुंभ के मेले में बिछड़ गई थी। तो आपने ढूंढा नहीं? बहुत ढूंढा पर पूजा कहीं नहीं मिली। तभी आप बेला दीदी को नई नई लड़कियों के नाम से बुलाते हो। और ऐसी बेला दीदी आपकी जिंदगी में? जीजू जीजू मैं सोच रहा हूँ सोनम के जाने के बाद ना मैं भी किसी से दिल जोड़ लूँ। जोड़ ले पर मुझे अकेला छोड़ दो। बेला दीदी और आप एक दूसरे से हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ, हाथ पकड़ो एक दूसरे का।
अब आप एक दूसरे को हग करो, प्लीज ना करो, हग करो। गगन, कुंभ का मेला? तुम ना एक मिनट चुप करो। गगन, ये लड़की कौन है? कौन है तुम? बता दूं? नहीं, प्लीज। मैं समझाता हूँ। तुमने तुम आई, देखा कि हम दो चिटके हुए हैं। तो तुम्हें ऐसा लगा जैसे और शक्कर भी क्यों नहीं, कोई भी बीवी अपने पति को किसी गैर स्त्री के भाव में नहीं देख सकती। धोखा ही नहीं, नेत्र मात्र का भ्रम। देवी जी भूल जाइए। मैंने पूछा ये लड़की कौन है। शास्त्र वचनम्, वाह, पुरुषस्य भागम स्त्रियम चरित्रम देवो न जाने कुतो मनुष्य। मतलब? अर्थात स्त्री का चरित्र और पुरुष का भाग्य देवता नहीं जानते, तो मनुष्य की क्या दशा। मैंने पूछा ये लड़की कौन है। जगत माता, किसी न किसी की बेटी है, किसी की होने वाली बहू है, दादी बहन है। ये लड़की कौन है? ये इसकी बीवी है। I'm speechless. No, you have to give a big speech. She's your wife. ये क्या बताएंगे? मैं बताती हूँ। जब से हमारी शादी हुई है ना, कुछ बताते ही नहीं है। देखो कैसे दूर दूर भाग रहे। दिलादी, जब तक हमारा अफेयर चल रहा था ना, तब तक सब कुछ सही था। उसके बाद पता नहीं क्या हो गया। पता नहीं कहाँ खोए रहते हैं। आपको पता है? मैं जूस लाने कहती हूँ तो दूध लेकर आती, मैं दूध लाने कहती हूँ तो दही लेकर आती, मैं दही लाने कहती हूँ तो पनीर लेकर आती। हमें कुत्तों जैसी फोड़ना, मैं वापस बताओ ना मैं क्या करूँ। दीदी हेलो, तुम कौन हो? दीदी वो मैं पीपी प्योरीफायर से प्योरीफायर लगाना था, हमारी बात हुई थी ना फोन पे। गप्पू? हाँ, अच्छा तुम गप्पू हो। अच्छा तुम तो आ गए प्योरीफायर लगाने, तुम्हारी बीवी क्यों आई? वो क्यों क्यों आई? क्यों आई बे? क्योंकि ये नहीं आ रहे थे। ए तू क्यों नहीं आ गए? अरे मैं क्यों हूँ? सुबह से पता है मेरे से लड़ी जा रही है। दीदी मेरे को नाश्ता तक नहीं दिया इसने। अरे तू इसे नाश्ता क्यों नहीं देती बे? सो गया है। मैं नाराज थी इनसे। तू नाराज क्यों करता है उसे बे? मैं अपने सारे घर के राज खोल दूं क्या? अरे बस हो गया ना, मतलब नहीं है ये कुछ है। आप बताओ ना, आपने तो फोन किया था उसे। मैं? गगन तुमने इसकी बीवी को बुलाया? अरे यार ये प्यूरीफायर लगाने आया था तो मैं क्या, चल निकल भाग। तो कहा कि नहीं, बेला ने कहा नाम गप्पू है। मैं इमोशनल हो गया। तुम्हें तो पता है एक्टर कैसे होते, कैसे होते? बहुत इमोशनल होते। तुम्हें कहा आयो तो लगा दो। गगन ये तो आया प्यूरीफायर लगाने, तुमने इसकी बीवी को क्यों बुलाया? यार ये झगड़ा कर रहा था इससे फोन पे कि मैं नौकरी पे जाऊंगी, तेरे साथ घर पड़ा रहा हूं। तो मैं कहा यार शादी की है तो निभाओ मेरी तरह, ये क्या है? और ये इसे फोन पे फोन किए जा रही है, घर आ जाओ घर आ जाओ घर आ जाओ। ए तू इसे फोन क्यों कर रही थी? क्योंकि आज हमारी एनिवर्सरी है और ये आज के दिन मुझे अकेला छोड़ के यहाँ काम के लिए आ गए। बैठो ना, ऐसे भी कोई करता है दीदी। I'm so sorry. हमारी एनिवर्सरी है, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। सो सॉरी हाँ, हमारी एनिवर्सरी और इसको यहाँ पे आना पड़ा।
पर पति किसके लिए कमाता है? पत्नी के लिए ना। और तुम इसे नाराज मत हुआ करो और इसे नाराज किया भी मत करो। क्या है? कुछ भी नहीं, सही कह रही हो तुम। एक और बात, तुमने इसको गले क्यों लगाया था?